हाउ यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होगी। आपका स्वागत है हमारे अगले वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में, जो कि डील करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है सेक्शन 5, वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताता है। और बेसिकली जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, लेकिन इसका जो चैप्टर 2 है और कुछ सम प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट वो डील करती हैं मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी से। दोनों प्रॉपर्टी से जो हैं वो डील करती हैं, इसका चैप्टर 2 और कुछ इसकी प्रोविज़न्स। ओके, सो अब बात करते हैं जो सेक्शन 5 क्या कहता है। सेक्शन 5 क्या कहता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है। इसमें प्रॉपर्टी वर्ड आया है, प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। ओके, इस बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो इमूवेबल से डील करता है, लेकिन इसकी कुछ प्रोविजंस जो हैं वो मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल से डील करती हैं। अब डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसमें सबसे पहले एक्ट होना चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्ट। ओके, जो हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉपर्टी वो एक तरह का एक्ट होता है। एक्ट किसका होता है, एक्ट ऑफ द पार्टीज होता है। पार्टीज कौन कौन से होंगी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में, फर्स्ट होगा ट्रांसफ़रर एंड सेकेंड इज ए ट्रांसफ्री। ट्रांसफ़र वो पर्सन होगा जो ट्रांसफ़र कर रहा होगा, जिसके पास इंटरेस्ट होगा, जिसके पास ओनरशिप होगी। एंड ट्रांसफ़री कौन होगा, जिसके पास वो प्रॉपर्टी जाएगी, उसको कहते हैं ट्रांसफ़री। ओके, अब ट्रांसफ़र किस पर कितने प्रकार की होती है, ट्रांसफ़र होती है कैसे, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मोर्टगेज कर सकते हैं, गिफ्ट में दे सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, लीज दे सकते हैं, ये सभी प्रकार हैं ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के, ऐसे हम जो हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़री हमेशा ही जो पर्सन रहेगा, लेकिन साथ में जिस वे से वो ट्रांसफ़र हो रही है उस वे के जो पर्सन है वो आ जाएंगे बीच में। लाइक अगर कोई पर्सन सेल कर रहा है, ओके, तो वो क्या बन जाएगा, सेलर बन जाएगा। अगर कोई पर्सन मोर्टगेज कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को, वो क्या बन जाएगा, मोर्टगेजर बन जाएगा। ओके, ऐसे ही जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है वो एक्ट होना चाहिए। जो एक्ट मतलब कि वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र, समथिंग इज़ डन बाय पर्सन, पर्सन के द्वारा कुछ किया होना चाहिए। लाइक जो ट्रांसफ़र है उसने प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़री को जो है दी होनी चाहिए। ओके, सेकंड है लिविंग पर्सन। लिविंग पर्सन मतलब कि जिंदा इंसान होनी चाहिए। ओके, कोई मरा हुआ व्यक्ति, इसमें लिविंग पर्सन जो है ह्यूमन पर्सन और ज्यूरिस्टिक पर्सन जो हैं इनमें पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। द ट्रांसफ़र मस्ट आल्सो बी कम्पिटेंट, कम्पिटेंट होने चाहिए। ओके, लेकिन एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन को अगर प्रॉपर्टी जाएगी तभी वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी माना जाएगा। पहला क्या था कि पर्सन के द्वारा कोई एक्ट परफॉर्म किया होना चाहिए, दूसरा था कि पर्सन लिविंग होना चाहिए, तीसरा है ट्रांसफ़र की हुई प्रॉपर्टी चाहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र करोगे तभी तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात आएगी। अगर प्रॉपर्टी ही नहीं हम ट्रांसफ़र कर रहे तब कैसे कहेंगे कि ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है। ओके, प्रॉपर्टी जो हो वो ट्रांसफ़र हुई होनी चाहिए, उसका टाइटल ट्रांसफ़र होना चाहिए, उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अब प्रेजेंट और फ्यूचर में भी हो सकती है। प्रेजेंट और फ्यूचर मतलब कि जो ट्रांसफ़र है वो अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, और जो ट्रांसफ़र है वो ऐसा कह देता है कि मैं आपको इस दिन में ट्रांसफ़र करूँगा, इस दिन में ट्रांसफ़र करूँगा, इस महीने में ट्रांसफ़र करूँगा, वो ऐसा भी कह सकता है। वो अभी भी ट्रांसफ़र कर सकता है और बाद में भी ट्रांसफ़र कर सकता है जो ट्रांसफ़र होगा। ओके, और इसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी एज वेल मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, दोनों प्रॉपर्टी होंगी इसमें। लेकिन जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो बेसिकली इमूवेबल से डील करता है, लेकिन जो ये चैप्टर है, चैप्टर 2 है, वो मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल डील करता है। इसीलिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में दोनों प्रॉपर्टीज आएंगी, मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल। ओके, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए।
और टू अनदर लिविंग पर्सन, मतलब कि दूसरे जो पर्सन जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो भी एक ज़िंदा इंसान होना चाहिए। ओके, तभी ऐसा कहेंगे कि जो प्रॉपर्टी है वो एक सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो चुकी है एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन को। अब इन द शॉर्ट अगर हम डेफिनेशन कहनी हो तो क्या कहेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज़ एन एक्ट, ओके, वन लिविंग पर्सन ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी टू अनदर लिविंग पर्सन। ओके, ये हो गई जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। आई होप आपको गाइस ये समझ लग गया होगा सेक्शन 5 क्या कहता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या बताया गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है सो प्लीज़ गो डाउन कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी आगे ऐसी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर videos.